क्या दिख रहा है आपको? अभी चुनाव है आपके पास में, रैली हो रही है योगी की, क्लियर नहीं बात हो पा रही। अच्छा, जाटों के ऊपर दारो मदार है, वे जिधर चल देंगे वही जीत जाओगा। अच्छा, तो आप किधर चल रहे हैं? हम तो जो है भाई मोदी के साथ हैं, सीधी बात है, चाहे कोशी को खड़ा कर लो। अच्छा, कुछ ही हो जाए कोई कैंडिडेट हो, आपका वोट मोदी को। कैंडिडेट नहीं देखना, मोदी देखना बस सिर्फ। आप क्या देख रहे हैं भाई, रैली में आए क्या, कुछ और काम है? हम तो भाई ट्यूशन में आए, न लगा है हमारा तो भाई। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है इस बार, कड़ा है मुकाबला? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। आप क्या देख रहे हो? गन्ना, 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 गन्ना क्या चल रहा है? बहुत बड़ी बात इन्होंने उठा दी, बात मृगांक और तबुस्सम की हो रही थी लेकिन बीच में बोला गन्ना, तो गन्ने में क्या दिखाई दिया? गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है यहाँ से, तो कह रहे कि भुगतान हो गया, कहाँ हुआ? फरवरी तक का बता रहे हो, किसका हो गया? हो गया फरवरी तक का, कल जारी होगी सोचना, तो सोचना ही तो जारी, 11 फरवरी तक नहीं पैसे भी जारी हो गए। ऐसा है भाई साहब, गन्ना सब चीज बाद की व्यवस्था है, पहले तो देश की सुरक्षा है, हम सब तो गन्ना बोवेंगे पैसे लेवेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी हैं, सारी सबकी निगाह लगी हुई है, तो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने हैं और सारी सब है, सब भाजपा के साथ। आज आप बताइए, सब भाजपा के साथ है। चिन्नी मंगाली पाकिस्तान तो सुरक्षा की बात कैसे करें, सुरक्षा के लिए भी तो हम खड़े हैं, वासी नातान गए बॉर्डर को सुरक्षा दे रहे हैं, हमारे जवान खड़े वहाँ भी, वही तो मर रहे हैं पाकिस्तान से, आज पाकिस्तान से चिन्नी मंगा रहे हैं। मोदी जी अड़ रहे, उनके लिए भी तो मोदी जी कर रहे हैं, उन्हें तो भाई युवा कह रहे हैं कि पाकिस्तान से चिन्नी मना रहा, वहाँ जवान गोली चलाने की भी परमिशन, गन्ने का पेमेंट आए ना, जवानों को गोली चलाने की परमिशन नहीं थी, मोदी जी ने खुला कर दिया, रोज बंकर उड़ा में उनके, ये जवान है, यही तो जवान, हम कब जवानों की वो कर रहे हैं, उनपे तो हमें नाज है। मोदी तब उस समय को जा रहा है क्या, जाट का वोट लोकदल को जी, तब उस को ही 56 इंच का, हम ये पूछना चाह रहे तब सुम को नहीं जानते, हम जाने जैन चौधरी को, तो जैन चौधरी तो तब उस समय है क्या, हमारा जैन, हमारी वोट जा रही जैन चौधरी को। अजी भाई साहब, सारी वोट भारतीय जनता पार्टी, तब उस समय से मुलाकात हुई कि नहीं? था वो जो बोलता था एक के बदले चार ले आऊंगा, अब इतने 10-10 मर रहे हैं, उनकी वर्दी सड़ रही है, वे कहाँ है आज, कहाँ है एक के बदले चार, कहाँ है वो मोदी? मैं गांव गोडनी का रहने वाला हूँ, है नहीं, और मैं आज से नहीं, मेरे पिताजी भी फूल को वोट दे रहे हैं और मैं भी फूल को वोट दूंगा, क्योंकि फूल ऐसा संक्षिप्त है, इन्हें देश का विकास करा, लोग बाग कह रहे करा नहीं कुछ भी है, ये लोग बाग पता नहीं खम्मा खा के विचार दे रहे, पर फूल जैसा कैंडिडेट और फूल वाकई में इसने बहुत काम करा, मेरा मैं दिलते उसके साथ हूँ और दिलते रम्मा। कह रहे हैं कि चिन्नी पाकिस्तान से आ रही है, गन्ने का पेमेंट आ नहीं रहा, लोग परेशान हैं, हमारे आर्मी के जवान मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो इसने कर दिया आने वाली सरकार, 26 रुपए किलो चिन्नी बिक्री भाई साहब, 26-27 रुपए किलो तो मिल रही, गरीब को तो मिल रही, आप चिन्नी का भाव पूछो जाके, आप चिन्नी का भाव पूछो जाके, क्या भाव है चिन्नी का, 26 रुपए 28 रुपए, मृगांगा या तबुस्सम, मृगांगा, मृगांगा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। एक सेकंड, नारेबाजी, नारेबाजी नहीं, नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, काम जो है वो मुद्दों से चलेगा। भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान से चीनी आ रही है, विकास कहाँ है? आप पाकिस्तान से चीनी आ रही है, आप बताओ तो सही, बिजली की बात हो रही है, बिजली तो कहाँ है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? 18 घंटे, एक सेकंड, आप कौन से गाँव से? मैं शामली से हूँ, गांव मकबूलपुर है, रहता शामली में। अच्छा, जाट वो, जाट है। गन्ना समिति के चेयरमैन है, जो मेरी माताजी चेयरमैन है गन्ना समिति की, और गन्ने के बारे में जो हम आपको बता रहे हैं आपको ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ हवा बातें हो रही है, ये तो हवाई है, इनका फेंकने का काम है। ऐसा है भाई साहब, सारे गद्दड़ एक हो गए, शेर तो शेर ही रहेगा, फिर तो आप किसी तरह को, शेर तो शेर ही है, आपने कर्नाटक में भी देख लिया, सारे खड़े, चाणक्य ने कहा था जब कोई चक्रवर्ती सम्राट बने ना तो सारे गद्दड़ सब एक हो जाओ तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये तो सब तो बनाई ली, सरकार भी बनेगी और जीतेंगे, 19 भी जीतेंगे, तो वहाँ हो ही गई बीजेपी की, कैसे तंत्र की तो उन्होंने ऐसा कोई हार नहीं, उन्होंने कोर्ट का सम्मान हुआ, कोर्ट का आदेश माना गया, पहले इस्तीफा दिया, जब आपके पास नंबर नहीं था कहाँ सरकार, ऐसा नहीं है, नहीं कोर्ट का माना गया, ऐसा कुछ नहीं है। 31 तारीख को कौन बना रहा है यहाँ पे सीट? भारतीय जनता पार्टी, किसान बना रहे, किसान, इन्हें तो नहीं पता नाम किसका लेना, किसान कैंडिडेट है, इन्हें नहीं पता, जैन चौधरी पता नहीं क्या तुम्हें, लोकदल, लोकदल कैंडिडेट का नाम बताओ, तबस्सुम हसन, तबस्सुम हसन, नाला की फूल, फूल, फूल बना के लड़का, लड़का। थोड़ा सा एक चीज कह, ये भी भैया ने बताया कि चाणक्य जी ने एक बात और कही थी, जब सब दल एक के पीछे पड़ेंगे, सबसे बड़ा दल वो जो केला होगा ना, केला रहने वाला, वो सबसे बड़ा दल होगा, जो उस केले को पकड़ लो वही सबसे बढ़िया है। भारत माता की, क्या लगता है कि सब मिलके हरा रहे हैं, जयंत चौधरी क्यों मैदान में नहीं आए?
जैन ये जो बीजेपी वालों ने जैन जी से एक सवाल नहीं पूछा कि कैंडिडेट नहीं था क्या आरएलडी के पास? क्यों कैंडिडेट है नहीं है, ये तो सपा से लिया हुआ कैंडिडेट है, मान भी नहीं रहे हैं कैंडिडेट, ये लगता है कि आपको नहीं लगता मानते ही नहीं, ये तो नुकरे तो सबको समाजवादी, एक सेकंड आप इन्हें तो बोलने दीजिए, समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट लेके वहाँ लिया, आपको लगता नहीं कि कैंडिडेट होना चाहिए था, खुद जयंत को खड़ा होना चाहिए था? यो जो हमारे समाज के बीच में और मुसलमानों के बीच में जो खाई पैदा करी थी उसे खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में बोला कि अखिलेश यादव ने लोगों को मरवाने का काम किया मुजफ्फरनगर में, जाट मानता है बात? क्यों बीजेपी वालों ने नहीं करा? ये तो योगी जी का नाम ले रहे, तो आप क्या कहेंगे जी? भाई यही बीजेपी वाले बता देंगे सब कुछ, तो मुकदमे वापस ले रहे हैं, सारे मुकदमे वापस नहीं, आप ही बता देंगे, बता रहे समाजवादी, आपको क्या लगता है समाजवादी की देन है दंगा जितना भी हुआ समाजवादी की देन है, जो कवाल में जो तो सरकार है, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा, आ गया 25 करोड़ का भी इसका आया भी, अच्छा रैली में जा रहे हैं और क्या, वही है सब तन मन और धन से साथ है, पिराई भी दुगनी हुई अब की बात, कैराना लोकसभा में 800 करोड़ रुपए बकाया, 25 करोड़ का भुगतान किया, साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से गहमा गहमी हो गई, लगातार बातचीत जो है आरएलडी और बीजेपी की, कैराना में इस वक्त मौजूद हो और यहाँ पर जनता पूरी तरीके से कोई भाजपा के साथ है तो कोई आरएलडी का समर्थन कर रहा है, नारेबाजी लगातार जारी है, नारेबाजी के बीच आखिरकार 28 तारीख को मतदान कहाँ पड़ेगा और नतीजा 31 को कहाँ आएगा ये वक्त बताएगा। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ नवीन चौहान, शामली, हेडलाइंस इंडिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।